दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूँ प्रतिभा। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। जी हाँ, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन के साथ एक नई पॉजिटिविटी की बात होती है, एक सकारात्मकता की बात होती है। और कहते हैं ना, हमने बहुत सुना है इस बात को कि लोग कहते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, समाज बदलना चाहिए, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस बदलाव की शुरुआत हम खुद से क्यों ना करें। वैसे भी हम कहते हैं ना कि लेट द चेंज बिगिन फ्रॉम आवर सेल्फ, तो अपने खुद से हम बदलाव की शुरुआत करें। हो सकता है कि आपके बदलाव को देखकर दुनिया भी बदलने लगे, हो सकता है अगला इंसान जो आपके संपर्क में है या जो लोग भी आपके संपर्क में है आपके अच्छे गुणों को देखकर वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बिल्कुल, और हमें हमेशा खुद पर ही फोकस करना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि जो बर्ताव हमें पसंद है कि दूसरे हमारे साथ करें, ठीक वैसा ही बर्ताव दूसरों को भी पसंद है कि आप भी उनके साथ करें। इसलिए शुरुआत खुद से ही करें। चलिए, ये तो बात हुई थोड़ी सी पॉजिटिविटी की, और जब पॉजिटिविटी की बात होती है तो जीवन में ज्यादा बदलाव आते हैं, सकारात्मक बदलाव आते हैं जब हम आत्ममंथन करते हैं। और आत्ममंथन जब होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद में पाते हैं, क्या हमारे में अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, उन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप में सुधार लाना है, बदलाव लाना है। आज के हमारे कौन है मुख्य अतिथि, आपको बताना चाहूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनसे हम करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आज हमें घेर रही हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हमारे ऊपर आते हैं, हमारे बीच आते हैं और बहुत जटिल हो जाते हैं ऐसे हेल्थ इश्यूज़। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो अलार्मिंग हेल्थ इशू होता है वो है आपका किडनी मैलफंक्शन का हो जाना। यानी किडनी, किस तरीके से किडनी के रोग हमें घेर लेते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, निदान क्या है, किस तरीके से प्रिवेंशन यानी कि बचाव हम कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच विशेष मेहमान मौजूद हैं। विशेष मेहमान के तौर पे आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। आप जाने माने वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही आप अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, किडनी को लेकर हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, दर्शकों के जानने योग्य है। सबसे पहली बात आपसे जानना चाहेंगे, इसके पहले कि मैं फर्दर डिस्कशंस किडनी और उसकी जो डिजीजेज होती हैं उसको लेकर करूं, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एक किडनी की एक बॉडी में क्या अहमियत होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर एक वाक्य में कहें तो किडनी का काम है पेशाब को बनाना, मूत्र को बनाना, और इस तरीके से किडनी हमारे शरीर में जो जहर पैदा होता है उसको बाहर निकालती है। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है, किडनी के और भी बहुत काम हैं। वो यूरिन बनाने के क्रम में किडनी क्या करती है कि हमारे शरीर के कंपोजिशन को मेंटेन करती है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग हैं जो कम पानी पीते हैं, कुछ लोग फलाहारी हैं, कुछ लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं। तो हमारे खान पान में उतार चढ़ाव और मौसम के उतार चढ़ाव के बावजूद अगर हमारे शरीर में जो केमिकल्स हैं ब्लड में उसका कंपोजिशन नियंत्रण में रहता है तो उसका कारण एक स्वस्थ गुर्दा होता है। इसके अलावा किडनी एक हार्मोन पैदा करती है एरिथ्रोपोएटिन, और इसके जरिए खून का निर्माण करने में मदद करती है, इसलिए किडनी के बीमारियों में खून की कमी भी आती है। किडनी का एक काम है हड्डियों को मजबूत करना, कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी के उपापचय में इसका उपयोग है, और किडनी शरीर से तेजाब निकालने में भी मदद करती है। और बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि किडनी एक हार्मोन को डील करती है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, और इसके जरिए हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है। तो किडनी का ये मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन फंक्शन हुआ, और सरल शब्दों में कहा जाए तो जो दिन भर की दिनचर्या में जो जहर का निर्माण होता है उसको किडनी हमारे शरीर से बाहर निकालती है, और इनका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि किडनी एक मोटे तौर पर अगर हम कहें तो शरीर में जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। यानी कि अगर किडनी में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम कितना ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं बॉडी के इंटरनल से, इंटरनल सिस्टम से, ये मतलब जाहिर तौर पर आपने साफ बोला। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि किडनी की बात होती है, किडनी डिजीजेज़ की बात होती है, किडनी रोगों की बात होती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें
तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक, किस लेवल पे इंडिया है इस वक्त किडनी डिजीजेज में? देखिए, किडनी की बीमारियां वाकई विकराल रूप धारण कर रही हैं। अगर हम वर्ल्ड ओवर फिगर देखें तो करीब 13-14% लोग क्रोनिक किडनी डिजीज से ग्रसित हैं। भारत में हाल ही में एक स्टडी हुआ था, सीक स्टडी, उसमें ये आंकड़ा 17% देखा गया कि 17% लोग मे बी अफेक्टेड विथ किडनी प्रॉब्लम्स। तो हर पाँचवा आदमी समझिए भारत में किडनी की बीमारियों से जूझ रहा है। और इतना ही नहीं, पहले तो ट्रेडिशनली हमारे देश में इन्फेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, सच एज ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, डायरिया इत्यादि, लेकिन अब भारत मेटाबॉलिक डिजीज़ों में भी सरताज बनता जा रहा है। ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एक समय आएगा कि डायबिटीज़ और बीपी के मरीज अधिकांशतः भारतीय होंगे। तो जिस ढंग से डायबिटीज़ वगैरह बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इससे किडनी की भी बीमारियों पर इजाफा हो रहा है। तो भारत में किडनी की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसमें हमें सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब के अगर वजहों की बात करें, क्या वजह पाते हैं अगर किडनी में कोई ख़राबी आती है, क्या वजह होती है, क्या रीजंस होते हैं, एक मोटे तौर पर जानना चाहें आपसे? देखिए, कुछ बीमारियाँ तो भगवान दे देता है और कुछ बीमारियाँ हम लोग भी ले लेते हैं। तो अगर किडनी की बात करें तो कुछ बीमारियां जेनेटिकली डिसाइड होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये एक जेनेटिक बीमारी है। कुछ बीमारियां किडनी की खास होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या किडनी के रूप में बनावट में कमी आना, एक किडनी होना, टेढ़ी मेढ़ी किडनी होना, ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी होना इत्यादि। लेकिन आजकल जो समस्या आ रही है वो आ रही है हमारे गलत दिनचर्या के कारण जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो पाश्चात्य शैली का हम गलत अनुकरण कर रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो गई है, स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो अब भारत में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, डिसलिपिडीमिया, हाई यूरिक एसिड, ये सब समूह है, ये वो बीमारियाँ हैं जिसको मैं कहता हूँ कि हम लोग गलत आदतों से खरीदते हैं, और इन सारी बीमारियों का बुरा असर किडनी पे पड़ता है। इसके अलावा गलत जीवन शैली, द वे वी डू एक्सरसाइज नाउएडेज, जो जिमिंग की एक है, अनहेल्दी एक्सरसाइजेज, गलत आदत जैसे स्मोकिंग इत्यादि, एलोपैथी या इनफैक्ट आयुर्वेदिक भी, नीम हकीमी करना, बिना डॉक्टरी सलाह के ऐसे ही कुछ लेते रहना, तो ऐसे बहुत फैक्टर्स हैं जो किडनी के बीमारियों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच हमारे विशेष मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप हैं जाने माने वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ। तो उनसे हम निरंतर बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं जो दर्शकों आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जैसे किडनी रोग की बात होती है, तो कभी भी कोई ऐसी बीमारी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बुखार की बात करूँ या वायरल फीवर की बात करूँ या कुछ बात करूं मैं टाइफॉइड की, तो ये सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि इसके सिम्टम्स आपको नज़र आने लगते हैं। बुखार में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वायरल में बहुत सारी ऐसी आपके शरीर में बदलाव होते हैं जो तुरंत आप महसूस करते हैं और तुरंत उसके इलाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ किडनी रोग की, और जैसे हार्ट की बीमारियाँ भी होती हैं और किडनी की बीमारियों की मैं भी बात करूँ, तो ये सब बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि साइलेंट किलर के तौर पर आगे बढ़ती हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से सिम्टम्स तुरंत नज़र नहीं आते, लक्षण तुरंत सामने नहीं आते, तो ऐसे में किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, आपने बहुत सही कहा, ये किडनी की बीमारियां साइलेंट किलर हैं और यही समस्या है। किडनी 90% भी ख़त्म हो जाए तो ये संभव है कि ज़्यादा सिम्टम्स ना हो, और बहुत बार लोग मरीज़ को अगर समय पर पता चल जाए तो किडनी के बीमारियों को बचाया जा सकता है, उन्हें क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो लोग किडनी के बीमारी को नहीं समझते, वो अनजाने में अपनी किडनी तक गंवा देते हैं और बेमौत चले भी जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि किडनी के बीमारियों के लक्षण क्या हैं। अब अभी हमने चर्चा की थी किडनी के फंक्शंस की जी। किडनी का काम है जहर को निकालना, तो जब किडनी कमज़ोर होगी तो खून में पेशाब की मात्रा बढ़ने लगेगी, और इससे होगा भूख में कमी आना या गैस होना। अब इस गैस को अधिकांश मरीज मामूली गैस समझ लेते हैं और खुद ही कुछ दवा ले लेते हैं। किडनी का काम है शरीर से पानी को निकालना,
तो हो सकता है कि किडनी कमज़ोर हो तो हल्का हल्का पैरों में सूजन आए। लोगों को लगता है कि ये पैर लटकाने से सूजन आ गई, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। किडनी का एक काम है खून का निर्माण करना, तो खून की कमी आ जाती है, ये भी किडनी का लक्षण है। लेकिन बहुत बार लोग खुद आयरन की गोली लेके उस चीज़ को टालते रहते हैं। किडनी का एक काम है हड्डियों को मजबूत करना, तो किडनी के कमज़ोरी में बदन में दर्द होगा, लोग उसे भी इग्नोर कर देते हैं और हो सकता है दर्द की गोली खा लें और किडनी की समस्या और बढ़ा लें। तो ये आपने सही कहा कि किडनी के बीमारियों के खास लक्षण नहीं होते, लेकिन ये सब लक्षण जो हमने बताया ये एक साथ हो रहे हों या एक या दो लक्षण हों तो सेल्फ़ मेडिकेशन ना करके ये बेहतर होगा कि आप किसी भी फिजिशियन से किडनी की शुरुआती जांच कर लें। इतना ही नहीं, किडनी के बीमारियों का एक और आयाम होता है ब्लड प्रेशर। लोगों ने ब्लड प्रेशर को हार्ट की बीमारियों का पर्याय बना लिया है, ये गलत है। अगर ब्लड प्रेशर कम उम्र में हो, प्रेगनेंसी के दरमियान हो, या 60-70 साल की उम्र में अचानक से हाई बीपी हो गया हो, या बीपी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो, एक दो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो, या डायबिटीज़ के मरीज में अचानक बीपी हो गया हो, तो ज़्यादा संभावना है कि यह बीपी किडनी से निकल रही हो। तो ऐसे लोगों को भी किडनी की जांच करा लेनी चाहिए। कुछ पॉपुलेशन एक्स्ट्रा वल्नरेबल है टुवर्ड्स किडनी प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज़ के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, गठिया के मरीज। इन लोगों को लक्षण हो या लक्षण ना हो एनुअल चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए, और अगर उसमें खराबी नहीं निकलती है तो आप एक दो साल के लिए निश्चिंत हो जाएं। लेकिन अगर कोई खराबी निकलती है तो ये ना सोचें कि हमें किडनी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, बीमारी को गंभीरता से लें। और एक बात और कहूँगा, बहुत बार पेशाब के तकलीफ़ को भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे पेशाब का रुक रुक के होना, पेशाब के धार में कमी आना, रात में पेशाब बार बार होना, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होना, पेशाब में झाग आना, अगर किडनी का स्टोन हुआ हो। तो बहुत बार अगर स्टोन दर्द करना बंद कर दे तो लोगों को लगता है कि वो शांत हो गया, नहीं, हो सकता है वो पत्थर बड़ा हो गया हो और किडनी को डैमेज कर रहा हो। तो किडनी की बीमारियां लक्षण ज़्यादा पैदा नहीं करती, और अगर बीमारी शुरू होने के शुरुआती एक दो महीने में आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं तो एक संभावना रहती है कि किडनी क्योर हो जाए। तो अपने इन छोटे मोटे लक्षणों को नज़रअंदाज करने से बचें, सजग रहें, और जो भी लोग क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहे शुगर, बीपी, गठिया या ऐसे भी एल्डरली लोगों को एनुअल चेकअप या रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना आवश्यक होता है। जी, बहुत ज़्यादा ख़ास बात आपने बताई और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें हैं कि किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। अगर इनके लक्षणों का हमें ज्ञात हो तो निश्चित तौर पर हम इस गुर्दे से जुड़ी हुई जो भी बीमारी, किडनी से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है, इससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने आज के विशेष मेहमान से करेंगे और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होंगे। बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार बिहान, और इस वक्त हमारे बीच हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें आज के युग में, आज के डेट में जितनी बीमारियां हमें घेर रही हैं, खास करके हम किडनी की बात करें, किडनी की बात हम आज कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ। तो बचाव क्या है, लक्षण क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपने ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब बताया कि जो लक्षण, जो सिम्टम्स जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो, और हम बच भी सकते हैं अगर जो बकायदा हम अगर जांच करवाते रहें तो। आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है कि जेंडर डिफरेंस जिसमें हम पाते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम देखते हैं कि पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षा अगर हम कंपैरिजन करें महिलाओं के बनिस्बत, और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो महिलाओं में ज़्यादा टेंडेंसी हम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, मतलब जो पुरुष वर्ग होते हैं। आपसे जानना चाहूँगी किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं तो इसमें भी क्या ऐसा कुछ जेंडर डिफरेंस देखने में आता है? हाँ है, क्योंकि महिलाओं का शरीर और पुरुष का शरीर थोड़ा भिन्न है। तो अगर वर्ल्ड ओवर एक एवरेज डाटा लें तो महिलाओं में किडनी की बीमारी होने की संभावना
पुरुषों की तुलना में 2% ज़्यादा होती है। लेकिन इसका भी एक आयाम है कि उन्हें ऐसा होता तो है, लेकिन अगर मर्दों को किडनी की बीमारी हो गई तो वो ज़्यादा गंभीर मर्दों में होता है और औरतों में वो कम गंभीर होता है। अब औरतों में ज़्यादा क्यों होता है, इसके एक दो कारण हैं। एक तो यूरिन का इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन विद फीमेल्स, और दूसरा प्रेगनेंसी जो एक बहुत ख़ास चीज़ है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन वो बहुत बार गुर्दों पे लोड डाल देता है, तो प्रेगनेंसी करीब करीब हर फीमेल उससे गुजरती हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ जैसे लूपस औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके भी हानि उनको देखने को मिलती है। लेकिन एक उम्र के बाद एल्डरली में पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह की समस्या होने के बाद ये जो जेंडर डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो औरतों को तो खैर ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है, लेकिन एक बार बीमारी हो गई तो मैंने ऐसा देखा है कि भगवान ने औरतों को ज़्यादा मजबूत बनाया है। बीमारी की गंभीरता पुरुषों में ज़्यादा होती है और इंसिडेंस औरतों में ज़्यादा होती है। लेकिन एक और आयाम है जो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जब हम इलाज की बात करते हैं, जब हम किडनी फेलियर के डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो जितनी सहजता से हमारी फीमेल्स अपने बेटे के लिए, पति के लिए गुर्दा देने के लिए आगे आ जाती हैं, उतनी सहजता से पुरुष नहीं आ पाते। तो अगर देखें पिछले कुछ वर्षों में हमने करीब 300-400 ट्रांसप्लांट किए और इसमें फीमेल डोनेटिंग मेल्स की संख्या अत्यधिक थी और पति डोनेटिंग टू वाइफ्स सिर्फ 4 केस है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट को लेकर के भी बीमारी से ज़्यादा ट्रीटमेंट के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक जेंडर डिफरेंस देखा जाता है जो अनफॉर्चुनेट है। एक बार तो बहुत ही बुरी घटना हुई कि किसी को मैं समझा रहा था इलाज के बारे में, वो गांव के लोग थे और उन्होंने कहा कि इतने खर्च में तो एक नई बीबी आ जाएगी। तो अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कि जेंडर डिफरेंस को लेकर के कि जो हेल्थ है और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो अक्रॉस ऑल जेंडर्स, अक्रॉस ऑल फिनेंशियल स्टेटस पीपल एंड अक्रॉस ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कास्ट एंड क्रीड। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और ख़ास करके जटिल बीमारियों की बात होती है तो ऐसे में अपने परिजनों का भावनात्मक सहयोग भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। होता है कि उस वक्त हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक इंसानियत के तौर पर हम सोचें, और बहुत सही बात कही आपने। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, किडनी की कौन सी ऐसी प्रमुख बीमारियाँ हैं जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच फैलती जा रही हैं, और आपके पास ज़्यादा केसेस कैसे पेशेंट्स के आते हैं किडनी से जुड़े हुए? कुछ किडनी की बीमारियां तो क्लासिकली प्रेजेंट हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी के रास्ते में रुकावट वगैरह, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोलॉजिकल डिजीज, यूरोलॉजिकल डिजीज जिसे कहते हैं। लेकिन आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारियां बढ़ रही हैं। डायबिटीज़ के मरीजों की आयु भी बढ़ रही है, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, और एक फौज तैयार हो रही है डायबिटिक हाइपरटेंसिव ओबीज और डिसलिपिडेमिक लोगों की। इन लोगों में किडनी की बीमारियां बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अब देखिए, हर दूसरे घर में हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के मरीजों में 30-35% संभावना है कि किडनी की बीमारी हो जाएगी। उसी तरह ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की बीमारियां आजकल बहुत पाई जा रही हैं। तीसरी समस्या हो जाती है इसमें कि लोगों का एज बढ़ रहा है, एंड विथ ग्रोइंग एज वो किडनियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, तो एज पर से इज ए रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीजेज। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जीवन के भागदौड़ में अधिकतर लोग जीवन जीना भूल जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेस भरी होती है। मतलब सुबह से शाम तक काम काम, उसके बाद भी काम की चिंता, कभी वो रिलैक्स नहीं करते, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, अपने शरीर का ख्याल नहीं करते, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जीते, जंक फूड का आजकल कल्चर आ रहा है, और बाकी जो गलत आदतें जो हैं वो हैं ही। और उससे भी बुरी बात है कि दवाइयों को सीरियसली लें, ये नहीं कि दर्द हो गया तो कहीं से गोली ले ली या टीवी देख के, व्हाट्सएप देख के कोई चूर्ण ले लिया,
तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन का भी एक हो रहा है, देखिए सिम्टम को दाबना ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल। दवाइयों का नाम अगर आप जानना चाहें तो 50-100 रुपये की किताबें आती हैं, आप 15 दिन में डॉक्टर बन सकते हैं। पूरी उम्र लग जाती है ये समझने में कि बीमारी क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, और जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट बनने की प्रक्रिया में 13-14 साल लगते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो आप 15 दिन के व्हाट्सएप ज्ञान से उस चीज़ को शॉर्टकट में नहीं लेने की कोशिश करें। स्वास्थ्य को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, उसके लिए बजटिंग करें, उसके लिए प्लानिंग करें, तो जा कर के निश्चित तौर पर इन बीमारियों को काबू में किया जा सकेगा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो आपने बताई अभी डॉक्टर साहब, वो ये थी कि कभी भी दर्शकों, कभी भी आप ऐसे कोई लक्षणों को अपने भीतर देखें तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करें। डॉक्टर आपके सामने होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, वो हर तरीके से आपको बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है सेल्फ मेडिकेशन करना, यानी खुद से जानकर, खुद से समझ बूझ कर, खुद से ही दवाई का नाम जानकर और खा लेना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और कभी कभी आपकी जान भी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दर्शकों जो हम आज के विशेष मेहमान से करेंगे, और आप तक भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं, जानकारियाँ हैं पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाज़िर होंगे। जबकि हकीकत यह है कि किडनी की अधिकांश बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। अगर किडनी की हम मामूली बीमारियों की बात करें, जैसे किडनी का इन्फेक्शन, ये तो क्योरेबल है, इसमें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ हो, उनके फिल्टर में सूजन आ गया हो, इसमें भी अधिकांश बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। अगर किडनी के बनावट में कुछ दोष आ गया हो, उसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। अगर किडनी फेलियर भी हो गई हो, तो किडनी की फेलियर 3 प्रकार की होती है। एक को एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जिसमें किसी कारण से किडनी में समस्या आती है, जैसे कि गलत दवाइयों के कारण, पेन किलर्स के कारण, हाई कैल्शियम के कारण, हाई यूरिक एसिड के कारण, इन्फेक्शन के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण। अगर इन चीज़ों को समय पे इलाज कर दिया गया तो अधिकांशतः ये किडनियाँ पूर्णतया ठीक हो जाती है, और उस किडनी फेलियर में अगर डायलिसिस भी करना पड़ा तो वह रिक्वायरमेंट टेम्पोररी होती है जी। एक बीमारी होती है जिसको RPRF बोलते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव रेनल फेलियर। इसमें किडनी में सूजन आ जाती है और यूरिन में RBC या प्रोटीन आने लगता है, और किडनी की साइज अभी नॉर्मल है, तो इसे भी अगर 1 या 2 महीने के अंदर हम देख लें तो इसे भी क्योर कर सकते हैं जी। समस्या क्या है कि अगर अल्ट्रासाउंड में अर्ली किडनी डिजीज़ लिखा हो तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो शुरुआत है, वो टाल देते हैं, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेते हैं। तो RPRF को अगर समय रहते इलाज कर लिया गया तो वो एक्यूट किडनी इंजरी की तरह क्योरेबल हो जाती है। लेकिन ये मौका हम अगर गंवा देते हैं, और किडनी की बीमारी में बीमारी जब हम इग्नोर कर दें 3-4 महीने, और वह बीमारी जब क्रोनिक हो जाती है तो उसे क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। हाँ, वो लाइलाज हो जाता है, लेकिन वो लाइलाज कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि फिर भी हमारी आवश्यकता होती है। अगर एक नेफ्रोलॉजिस्ट उस क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज की जिम्मेवारी ले और मरीज भी उनके प्रति समर्पित रहे, तो उस कमज़ोर किडनी को सालों साल चलाया जा सकता है। हाँ, बुढ़ापा हम रोक नहीं सकते, लेकिन किडनी के खराब होने की जो रफ्तार है उसे धीमी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, किडनी की जो तमाम कार्यशैली में जिन चीज़ों का हम लोगों ने नाम लिया, जैसे ब्लड प्रेशर, खून की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड में उतार चढ़ाव, खून में तेजाब का उतार चढ़ाव, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जैसे बारिश तो नहीं रोकते, लेकिन छाता लेकर भीगने से बच सकते हैं। तो किडनी की बीमारी होते हुए भी अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में रहेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किडनी की बीमारियां साइलेंट होती हैं, और बहुत बार 90% किडनी ख़त्म होने के बाद लोगों की आँख खुलती है जब इमरजेंसी पैदा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब एडवांस किडनी फेलियर हो जी, तब भी किडनी ऐसी बीमारी है
जो जान नहीं लेती, क्योंकि हम किडनी के काम को कृत्रिम ढंग से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। तो उस समय से भी, उतने एडवांस डिजीज से भी मरीज को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से समय रहते मिलने की आवश्यकता है। आवश्यकता है बिल्कुल, यानी कि किडनी की जो बीमारी, अगर हम इसे सही तौर पर अगर जागरूकता लोगों के बीच फैलाएं तो इससे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है, हम उस सिचुएशन से बच सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जब किडनी की कोई बीमारी होती है और जब ऐसी स्थिति आती है कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या डायलिसिस की ज़रूरत है, तो कई बार मरीज के परिजन बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। शायद यह प्रेशर फिनेंशियल प्रेशर है उनके ऊपर, जो उनको लगता है बहुत ज़्यादा खर्चीला है, अब तो बहुत खर्च होगा किडनी ट्रांसप्लांट में, किडनी के डायलिसिस में। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, डर का माहौल के कारण ही लोग गलत दिशा में चल जाते हैं, और किडनी बहुत फॉरगिविंग ऑर्गन है। अगर किडनी का फंक्शन 15% पे आ जाए तो आमतौर पर हम लोग मरीजों को सलाह देते हैं कि अब डायलिसिस की तैयारी कर लो, लेकिन वो डर जाता है और वो तब तक इसको टालता रहता है जब तक वो मरना सन्ना हो जाए, तब एक अनमोल ज़िंदगी बेवजह चली जाती है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि अगर किडनी जा रही है तो नई सुविधा को समय रहते अपना लेनी चाहिए जी। जैसे बारिश में छाता आप कब निकालते हैं? भीगने के पहले, भीगने के बाद छाता निकालेंगे तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब किडनी की कमजोरी बढ़ जाए तो बहुत लोग डिनायल मोड में रहते हैं, एंड दे रन फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, वो वेलोर जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, और फिर परेशान होकर के 6 महीने तक कुछ कुछ करेंगे और फिर कहेंगे कि अब डायलिसिस कर दो, तो उसमें डायलिसिस बदनाम होता है। अगर समय रहते डायलिसिस शुरू कर लें तो डायलिसिस तो ऐसी चीज़ है जो किडनी के कारण मरने नहीं देगी। हाँ, कॉस्ट को लेके आपने कहा कि एक सवाल उठता है, मैं बस आपको एक उदाहरण दे दूं। दुबई में एक डायलिसिस की कीमत 20,000 है और भारत में ये 2,000 में उपलब्ध हो जाता है, तो ऑन एवरेज 15,000 पर मंथ का खर्चा डायलिसिस में है, जो कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत ही कम है। और इसे भी सरकार बहुत सुलभ बना रही है, अब तो पहले ये सुविधाएं नहीं थी, अब तो करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा हो रही है और इतना महंगा नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव अगर हम कहें तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा। इसमें भी लोगों के मन में बहुत धारणाएं हैं, लोग सोचते हैं कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करूं तो वो खरीदने की बात करने लगते हैं और एक गलत दिशा में वो चल पड़ते हैं। देखिए, एक ज़माना था जो खून देने से लोग डरते थे। बिल्कुल। और आज लोग दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं, और देने वालों को घाटा नहीं होता और लेने वाले की जान बच जाती है। तो किडनी फेलियर में भी नियर एंड डियर को बिना डर के आगे आना चाहिए, और हम लोग पूरी तसल्ली कर लेते हैं कि देने वाला को घाटा ना हो। तो अगर उनके फैमिली मेम्बर आगे आते हैं समय रहते तो उसे प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, कि शरीर ख़राब होने के पहले ही बिना डायलिसिस के आप सीधा ट्रांसप्लांट कर लें। और ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो 18 साल डायलिसिस पर रहे और स्वस्थ रहे। ट्रांसप्लांट की भी ऐसी कहानियां हैं कि सालों साल लोग स्वस्थ रहें। तो अगर कॉस्ट वाइज देखें तो 4-5 लाख का ही खर्चा है, और 4-5 लाख का खर्चा खैर कम तो नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इतनी बड़ी बीमारी को हम लाइलाज कह दें जी। हाँ, दिक्कत तब होती है जैसा मैंने कहा कि बारिश में भीगने के बाद छाता निकालना, ज़रूरत थी, आपने 6-7 महीने बर्बाद कर दिए, शरीर गल गया, अब उसको वापस लाने के लिए 1-1 महीना आईसीयू में रख के हम जो कॉस्ट बढ़ाते हैं वह अवांछनीय है और वह अवॉइडेबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और आपने बताई, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस बात को लेकर अवेयर रहें, सजग रहें, जागरूक रहें कि हम किसी भी गलत दिशा में ना जाएं। बहुत ही आनन फानन में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की, यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल इस वक्त मेरे जहन में आया, जिस दौर में इस वक्त हम जी रहे हैं, कोविड
फेज इसे हम कहते हैं, और कोरोना काल में कहते हैं ना कि ऐसी बातें कही जा रही थी डॉक्टरों के द्वारा कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। तो कोविड फेज में जो किडनी पेशेंट्स हैं, किस तरीके से उनको आप कहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, शुरू में जब कोविड आया तो हम लोग तो बहुत डर गए थे, क्योंकि एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमें पता था कि किडनी के लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी, और ये भी ज़रूरी था कि अगर डायलिसिस के हमारे मरीज हैं और उन्हें मैं कोरोना के डर से मैं डायलिसिस बंद कर दूं जी, तो सबसे पहले हम लोग हिम्मत करके खुद आगे आए, सही समय पर हम लोगों ने वैक्सीन भी लिया, और उस काल में हम लोगों ने आइसोलेशन के साथ उन लोगों को भी सेवाएँ दी जो कोविड ग्रसित थे, और उनको भी सेवाएँ दी जो कोविड से बचे हुए थे जी। तो इलाज तो किया ही, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, कोविड में कुछ लोग चले गए और कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल इम्यूनिटी, हमारी अपनी जीवन शैली, स्वास्थ्य के प्रति हम कितने सजग हैं, हमने जीवन को कितना सीरियसली लिया है, इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। बहुत बार लोग जीवन को सीरियसली नहीं लेते, ये जैसे गलत आदतों में पड़ जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोटापा, अनकंट्रोल शुगर, हाई बीपी, स्मोकिंग, नीम हकीमी, इससे जो शरीर लोग ख़राब कर लेते हैं उनको समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो कोविड से अभी गया नहीं है, ऑल्दो ये थोड़ा माइल्डर फॉर्म का हो गया है, आई विश कि ये चला जाए। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, और हो सकता है कि आप घर के अंदर हों, लेकिन अगर आपका बच्चा बाहर से अंदर वायरस ले आया तो भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो किडनी के मरीज वल्नरेबल हैं, वो कोविड को हल्के में ना लें। हाँ, धीरे धीरे इसका अटैक जो है हल्का पड़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल सजग रहें, दूर रहें, और उचित समय पे जब भी सरकारी सलाह हो, गाइडलाइंस हो, तो टीका ज़रूर लगवा लें, और एक दिन है ये कोविड चला जाएगा जी। और एक अच्छी जीवन शैली को अपना करके उसके लॉन्ग टर्म जीवन का आधार बनाने की कोशिश करें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो आपसे जानना चाहूँगी कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रेगुलरली तौर पर अगर हम करवाएं तो हम किडनी की जो बीमारियां हैं उनसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? देखिए, किडनी की जांच बहुत महंगी नहीं होती। रूटीन किडनी फंक्शन टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि, वो 200-400 रुपये में हो जाता है जी। लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज या गठिया के मरीज, वह क्रिएटिनिन बढ़ने के पहले भी अगर जानना चाहें कि किडनी पे असर है कि नहीं, तो एक सिंपल सा टेस्ट है रूटीन यूरिन। यूरिन में प्रोटीन आना किडनी के बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं, और अगर ज़रा सा भी शक हो या और गंभीरता से लें तो यूरिन फॉर प्रोटीन एक टेस्ट आता है, 24 आवर यूरिन प्रोटीन, या यूरिन माइक्रो एल्बुमिन करके हम शुरुआती दौर में ही किडनी की वल्नरेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। और भी बहुत जांचें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, डीटीपीए स्कैन है, लेकिन इतनी महंगी जांचों की बार बार ज़रूरत नहीं है। रूटीन यूरिन KFT 1000 रुपये से कम में हो जाएगा, इसे नियमित रूप से करा लें। अगर नॉर्मल है तो साल में एक बार कराना काफ़ी होगा, अगर अब नॉर्मल है तो आपका डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि कितना फ्रिक्वेंटली दिखाना चाहिए जी। अच्छा, हमारी किडनी स्वस्थ रहे और हमारा शरीर उसकी वजह से स्वस्थ रहे, तो एक हेल्दी किडनी के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, बचपन से ही स्वास्थ्य को हम अपने एजुकेशन का और अपनी सोच का हिस्सा बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा मोटापा से बचें, जो अनहेल्दी एक्सरसाइज है आजकल का जिमिंग, उससे बचें, भाग दौड़ करें, वो बचपन की जो कबड्डी और फुटबॉल और हॉकी था उसको वापस लाएं, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। हाँ, बहुत बार हमारी इच्छा के बावजूद बीमारियां हो जाती हैं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, तो मैं कहता हूँ कि ये बीमारियां ना कुत्ते की तरह है, बांध के रखो तो कुछ नहीं करेगी, खुला छोड़ दो तो ये काट खाएगी। तो अगर शुगर बीपी हो गया हो तो उसको आप नियंत्रण में रखें, ये लक्षण पैदा नहीं करती, उनको नाप करके ही कंट्रोल करना होता है। और नीम हकीमी ना करें, स्मोकिंग ना करें, ड्रग्स ना लें, और एक संयमित जीवन जिए।
डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे शायद अब तक बहुत लोग अनजान होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही अध्यक्ष दिल्ली नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के। तो बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने इनसे की और आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। तो जानना चाहेंगे आपसे भी कि कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम। फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर DDK@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।